राधा प्रेम से उपचार कर रही है तो इसका हल मुझे निकालना ही होगा, कृष्ण को प्रेम का साथ देना ही होगा। मानता हूं मैं कि सांप को दंड देना अति आवश्यक है, किंतु राधा को कृष्ण पीड़ा कैसे दे सकता है। अब कुछ न कुछ करके सब कुछ ठीक करना ही होगा, क्योंकि सृजनकर्ता भी मैं हूं, संचालक भी मैं। इतना सुंदर भोजन का कक्ष है, कक्ष देख करके तो मेरा मन फिर भूख से मचलने लगा। सेवक महाभोज लगाओ। अरे अरे शांत 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 बंधु, अभी तिलक समारोह आरंभ भी नहीं हुआ है और अभी से तुमने महाभोज की मांग कर दी है। वैसे परिचय क्या है तुम्हारा? मेरा परिचय? मुझे नहीं जानते आप? अरे मैं धनवंतरी हूँ, उस उद्दंड सांब का उपचार करने आया हूँ। पूछिए इन बालकों से। हाँ पिताश्री, बड़े ही विख्यात वैद्य है ये, इन्हीं के उपचार के कारण ही तो सांब के हाथ में चेतना लौटाई है। क्या ये कैसे संभव? सांब को तो कान्हा का श्राप मिला हुआ है। तो क्या हुआ, कान्हा है क्या? अरे कृष्ण तो कृष्ण, मैं नारायण के श्राप को तोड़ सकता हूँ। मैं उस सांब को स्वस्थ करूंगा और कृष्ण देखता ही रह जाएगा। ओ वैद, ये द्वारका है, द्वारका में द्वारकाधीश श्री कृष्ण के विषय में ऐसी टिप्पणी कर रहे हो, तुम इसका परिणाम जानते हो क्या सकता है? अतिथि का अपमान करने वाले तुम हो कौन? मैं कौन? हाँ आप कौन है? द्वारका में रहके द्वारकाधीश श्री कृष्ण के दाऊ बलराम को नहीं जानते हो तुम? नहीं नहीं, जान गया, अभी तो जान गया, कृष्ण के दाऊ बलराम। ओहो, उसके दाऊ हो तभी तो ऐसा व्यवहार कर रहे हो। देखो वैद्य, अब ना मौन हो जाओ, अन्यथा मैं तुम्हारी ऐसी दशा करूंगा, ऐसी दशा करूंगा कि दूसरा कोई वैद्य तुम्हारा उपचार नहीं कर पाएगा। नहीं नहीं पिताश्री, ये श्री राधा की अतिथि हैं। क्या ये राधा का अतिथि? ठीक है, क्षमा किया तुम्हें, केवल इसीलिए क्योंकि तुम राधा के अतिथि हो, अन्यथा तो तुम्हारी आज ऐसी दशा होने वाली थी कि मुझे क्षमादान नहीं चाहिए, महाभोज चाहिए। मिलेगा कि नहीं? महाभोज? हाँ नहीं, वो तो नहीं मिलेगा। क्यों? इसीलिए नहीं मिलेगा क्योंकि जब तक तिलक समारोह संपन्न नहीं हो जाता तब तक महाभोज किसी को नहीं मिलने वाला है। उससे पूर्व यदि तुम्हें भोज करना ही है तो ये साधारण भोज करो, अन्यथा मत करो। साधारण भोजन तो मैं नहीं करूंगा, मैं तो महाभोज ही करूंगा। और यदि तिलक विधि संपूर्ण नहीं हुई है तो कृष्ण के दाऊ बलराम शीघ्रता से तिलक विधि संपूर्ण करो, क्योंकि मैं तो महाभोज खाऊंगा, मुझे भूख लगी है, शीघ्रता से करो। है कौन ये और चाहता क्या है? चाहता तो मैं केवल आनंद हूँ, और आनंद तो आपके साथ लीला करने में ही आता है दाऊ। अभी यहाँ धनवंतरी आया था, श्री कृष्ण कहाँ से आ गए? कृष्ण को आज तक राधा पकड़ नहीं पाई, तुम कैसे पकड़ोगे लक्ष्मण? साम, पिताश्री के दिए हुए श्राप से जो तुम सही हो रहे हो ना, उसका एक ही अर्थ कि तुम धीरे धीरे सब सीख रहे। अच्छा है साम पुनः स्वस्थ हो रहा है, है तो हम परिवार ही ना, और आप लोगों के बिना ये परिवार अधूरा है, आपके बिना कैसे होगा ये तिलक, इसलिए हम सब आपको लेने आए हैं। आप लोग यहाँ स्वयं आए हैं या राधा आप लोगों को लेकर आई है? नहीं नहीं, हम स्वयं आए हैं, आपको तिलक समारोह में आना ही होगा। हम सबको ज्ञात है कि मैं तिलक समारोह में भाग नहीं लूंगा।
विवाह का तो होना ही अपमान है हमारा। पर तुम उषा, तुम्हें तो लज्जा आनी चाहिए। मुझे अपनी प्रिय सखी कहती हो ना? यहाँ मेरे पति इस दशा में और तुम विवाह करने चली। तुम्हें भी तो प्रसन्न होना चाहिए, तुम्हारी परम सखी का विवाह हो रहा है। चलो लक्ष्मणा। कदापि नहीं, मुझे कोई विवाद नहीं चाहिए। आप सब जा सकते हैं। साम, अनिरुद्ध के विवाह में नहीं जाओगे? संसार को, कृष्ण को दिखाओगे नहीं कि कृष्ण के श्राप मिलने के पश्चात भी तुम स्वस्थ हो रहे हो? द्वारका में कितना सम्मान होगा तुम्हारा, और तुम तो क्या? मैं भी कृष्ण को दिखाना चाहती हूँ कि साम अपने पैरों पर खड़ा हो रहा है, कितनी उपलब्धि पाई है उसने। उपलब्धि तो पाई है मेरे पुत्र ने। बिल्कुल, मैं चाहती हूँ कि कृष्ण स्वयं देखे कि साम अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। हाँ, मेरा पुत्र शीघ्र ही पूर्णतः स्वस्थ होगा। जामवती, और ये सब कृष्ण को दिखाने के लिए तुम्हें समारोह में जाना ही होगा ना? मैं आऊंगा, कृष्ण को दर्पण दिखाने शाम अवश्य आएगा। इतने सारे लोग इकट्ठे हैं यहाँ पे, क्या हो रहा है? कौन कहाँ जा रहा है? और दंड, तुम कृष्ण को दर्पण दिखाने की बात कर रहे थे? धनवंतरी जी, आप आइए मेरे साथ अभी। अरे आऊंगा आऊंगा, यही तो हूँ, कहाँ जाऊंगा, आ जाऊंगा। तनिक मैं पहले ये तो जान लूं, ये उद्दंड चाह क्या रहा है? आप अभी के अभी चलिए मेरे साथ। नहीं मानेंगी, ठीक है। और उद्दंड बालक, तुमसे तो मैं बाद में मिलता हूँ, तनिक ऊपर तो आ गए हो। अरे ये तो क्रोध से घूर रहा है। आइए आइए, शीघ्र आइए। अरे कितना सुंदर, मैं उस दंड बालक से वार्तालाप का आनंद ले रहा था, मुझे यहाँ क्यों ले आई? मालपुआ खिलाने। मालपुआ? लाल लाल गोल गोल पुआ, उसमें भी माल? कहाँ है मालपुआ? तो मुझे अत्यंत प्रिय है। अरे यहाँ नहीं है, महाभोज में मिलेगा। यहाँ मैं आपको ये समझाने लाई हूँ कि मैं कब से प्रयास कर रही थी शाम को तिलक समारोह में ले जाने का, और आप है कि उसे उकसाए जा रहे हैं कि वो विवाह में ही ना जाए। कृपा कर मौन रहिए ना। मैं उकसा रहा हूँ? अरे सत्य तो बोलूंगा ना कि कृष्ण को दर्पण साम नहीं, मैं दिखाऊंगा। मौन रहिए, मेरे कृष्ण के समक्ष कोई खड़ा नहीं हो सकता, ना ही आप और ना ही साम। ये कृष्ण पर आक्षेप लगे तो तुम का है क्रोधित हो जाती हो राधा? प्रेम है क्या? हाँ है, तो आप बस शाम को स्वस्थ कीजिए और अपना शुल्क लेके जाइए यहाँ से। हाँ, शुल्क भी ले जाऊंगा, स्वस्थ भी कर दूंगा, सब हो जाएगा। परंतु एक बात कहूँ, चुप नहीं रहा जाएगा। इतने वाचाल हैं आप, एक तो यहाँ कृष्ण नहीं मिल रहे और ऊपर से आप हैं। देखिए, कृपा कर अंदर मत आइएगा। क्या हुआ, कुछ ज्ञात हुआ उस धनवंतरी के विषय में? नहीं पिताश्री, कोई उसे जानता ही नहीं है और किसी ने सुना भी नहीं है उसके बारे में। कान्हा के शापित को ठीक कर रहा है तो कोई छोटा मोटा वैद्य तो नहीं हो सकता, किंतु इतने बड़े वैद्य को कोई जानता कैसे नहीं है? हाँ पिताश्री, मैं स्वयं आश्चर्यचकित हूँ कि ये कैसे संभव हो सकता है। महल के सैनिक कह रहे हैं कि जब से धनवंतरी आए हैं काकाश्री कहीं दिखाई नहीं दिए। अच्छा तो ऐसा है, अर्थात कुछ तो गड़बड़ अवश्य है।
निश्चित रूप से ये धन्वंतरी ठीक व्यक्ति नहीं है। मीठे मधुर रसीले फल, फल को भी देख के मन एकदम उछल रहा है। थोड़ा हार का आनंद ले ही लेता हूँ। आनंद आनंद, ये सब हो क्या रहा है? कुछ नहीं, थोड़ा थोड़ा हार्ट कर रहा हूँ। ये थोड़ा है, लगभग समस्त द्वारका के फल खा रहे हो और इसे थोड़ा कह रहे हो? अरे द्वारिका के युवराज का उपचार करने में बहुत परिश्रम लगता है, उसके समक्ष तो थोड़ा ही है। उस सांब के उपचार के लिए तो तुम्हें ये फल क्या, इस फल का एक बीज तक खाने ना दूं मैं। वो तो तुम राधा के अतिथि हो करके अब तक मैं चुप बैठा, किंतु अब बस, अब तो तुम्हारे यहाँ से जाने का समय हो गया है। अर्थात? अर्थात ये कि अब तुम्हारा सत्य मेरे समक्ष आ चुका है। सत्य तो सर्वदा समक्ष ही रहता है महोदय, और मेरा सत्य तो मेरे रूप में सदैव समक्ष है। ओ छलिए, अपना ये छलना किसी और के समक्ष प्रकट करना। तुम्हारे जैसे छलिए से ना भली भांति परिचित हूँ मैं, कोई तुम्हें जानता कैसे नहीं? कहीं तुम शत्रु के भेजे हुए गुप्तचर तो नहीं हो? नहीं नहीं नहीं, ये मिथ्या है। अच्छा, ये मिथ्या है, ठीक है। अब भी तुम्हें ले जाकर तुम्हारा भेद खोलता हूँ राधा के समक्ष, फिर राधा स्वयं तुम्हें यहाँ से जब उठाकर फेंकेगी ना, तब तुम्हें क्या होगा? नहीं 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 नहीं, देखिए आप मुझे समझ रहे हैं, वास्तव में भ्रम आपके मस्तिष्क में घुस करके भ्रम की स्थिति पैदा करता है और आप भरपूर भ्रमित हो रहे हैं। मैं गुप्तचर नहीं हूँ। बलराम के बल की मार पड़ती है ना तो अच्छे अच्छों का भ्रम दूर हो जाता है और सत्य अपने आप समक्ष आ जाता है। मुझे ज्ञात है कि बलराम की मार पड़ेगी तो सत्य का बहुत कुछ सामने आ जाएगा। बहुत पीड़ा हो रही है, छोड़ दीजिए, छोड़िए ना, मैं अपना सत्य स्वयं सामने ले आता हूं। क्या बात है, इस बार थोड़ा भी अचंभित नहीं हुए आप? क्यों होऊंगा अचंभित, मुझे तो तभी ज्ञात हो गया था जब महल के सैनिकों ने बताया कि जब भी धन्वंतरी उपस्थित होते हैं तो कान्हा वहां नहीं होते। मैं समझ गया हूँ क्या चल रहा है आजकल, आजकल आप बादाम खा रहे हो, है कि नहीं? किंतु तुम्हें बुद्धि, कदाचित मेरी मार खाने के पश्चात ही आएगा कान्हा। पहले तो तुम ये बताओ, स्वयं शाम को शापित किया और अब स्वयं ही उसका उपचार करने लग गए? आप ही ने कहा था ना कि राधा को आप पीड़ा में नहीं देख सकते, अब राधा की पीड़ा हरने के लिए शाम को ठीक करना ही होगा ना। था तो क्या उस उद्दंड सांब के लिए तुम स्वयं के श्राप को काट दोगे? नहीं दाऊ, सांब के लिए नहीं, राधा के लिए। सांब ने अपराध किए हैं किंतु उससे अधिक कर्म की शक्ति राधा की है, उसके प्रेम की शक्ति कहीं अधिक है दाऊ, और उसके कर्म का फल भी तो मुझे ही देना होगा ना दाऊ। यही तो मेरा कार्य है, इस संसार में समता बनाए रखना। भले ही शाम ठीक होने का अधिकारी नहीं है, किंतु राधा को तो उसके प्रेम का, उसके कर्म का फल मिलने का अधिकार है ना। अब ये मुझे करना होगा, भले ही उसका फल स्वरूप शाम का ठीक होना क्यों ना हो। उचित कहा तुमने कहा, संसार में संतुलन बनाए रखना, सृष्टि का संचालन करना कितना कठिन है ये अब समझ आया मुझे। किंतु एक बात बताओ, तुम नारायण हो, तुम तो ये सब चुटकी बजाते ही कर सकते थे, फिर ये धन्वंतरी का भेष धारण करने की क्या आवश्यकता थी? क्योंकि बात इससे भी अधिक बड़ी है था, सांब के कारण, मेरे और महादेव के युद्ध के कारण महादेव योग निद्रा में चले गए हैं और उन्हें कुछ भी करके मुझे जगाना होगा। उन्हें धन्वंतरी का अमृत ही जगा सकता है।